हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है टेबल, कुर्सी, उसके बाद फर्नीचर, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 568 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन बना है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट, फोन कॉल सब करते रहते हैं। तो देखिए चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों, जो काफ़ी लेटेस्ट है और काफ़ी डिमांडिंग बुक है, मार्केट में उपलब्ध है, तो इस बुक को जरूर ले लेंगे। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, क्योंकि इसमें इस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए 2450 प्लस सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट दिया है, 9 सॉल्व पेपर है और 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद हो जाएगा जीके और इंग्लिश। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे दोस्तों, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, पेन पेपर लेकर बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने 1, उसके बाद हम लोगों के सामने 3, 6, उसके बाद है दोस्तों 10, 15, उसके बाद उसने लिखा है 21 और आगे है क्वेश्चन मार्क फिर लिखा हुआ है 36। तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो देखिए 1 से यदि आप 3 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। 3 से यदि 6 पे चलेंगे तो यहाँ पर उसने 3 जोड़ा है, इस जगह से इस पे चलेंगे तो उसने प्लस 4 किया है। 10 से 15 पे जाएंगे तो प्लस 5 किया है, उसी प्रकार से 15 से 21 पे जाएंगे तो 6 किया है, तो अगला क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 7 कर देंगे। तो 21 में जैसे ही 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 28 हो जाएगा। 28 में जैसे ही 8 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने यहाँ पर, जैसे टेबल, कुर्सी और फर्नीचर, तो इसका कौन सा वेन आरेख यानी बनेगा, वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों के सामने कुर्सी हो गया, तो कुर्सी एक प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कुर्सी हो गया, उसी प्रकार से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसी के अंदर में क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके का आएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी फर्नीचर के अंदर में ही आएंगे, एक कुर्सी होगा और एक क्या होगा, टेबल होगा, तो ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह पर रखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यानी लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो ये देखिए बताते हैं कि उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। लॉजिक देखिए दो तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा, मिसिंग नंबर या तो इधर से होगा या तो फिर आपका किधर से होगा दोस्तों, ई साइड से होगा, यही दो तरीके से सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसने क्या किया है, इसी साइड से हम लोगों का सॉल्व किया और किस तरीके से हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए 21 और भाग क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया, तो 21 में भाग 3 और गुना क्या कर दिया उसने, 11 कर दिया।
देखिए 21 में 3 से भाग दे देंगे तो 7 अगुना 11 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 77 हो जाएगा। तो ये वाला 77 की हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा वाला कर देते हैं दोस्तों, बस ध्यान से देखते हुए चलिए, इस लाइन में आप चल दीजिए ये वाला में। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 24 और इस जगह पर है, मान के चले कि भाग देना है, तो भाग देना है तो ऐसा क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद भाग देने के बाद गुना किससे करना होगा, तो हम लोगों के सामने 14 से गुना करना होगा, और कितना आना चाहिए ये भी बात है, तो 112। तो ये देखिए, अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख दें दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों का 28 है, अच्छा, यहाँ पर क्या है दोस्तों 24 है, तो इसको 24 कर लीजिए, यानी कि जैसे उसने यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 24, तो 24 में किससे भाग देंगे जिससे हम लोगों का क्या हो जाए कि गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, 112 आना चाहिए। तो देखिए इस जगह पर यदि 3 रख देंगे, देखिए 24 और भाग यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 3 कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे, 24 भागा 3 गुना 14 कर देंगे, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 24 में 3 से भागा देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 गुना हम लोगों का इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14 गुना 8 क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या रखना होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं, ये वाला भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसका निकाल दिया, पहला वाला स्टेप कर दिया, उसके बाद दूसरा वाला कर दिए, तीसरा वाला हम भी कुछ नहीं, देखिए इससे हम लोग ये वाला संख्या से भाग दे रहे हैं, तो 36 में 4 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 गुना 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। इस जगह पर आप कर भी सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हो जाएगा 36 और भाग क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, इधर वो वाला कर देते हैं, 36 और भाग 4 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 हो जाएगा, तो 36 में 4 से भागा देंगे तो 9 होगा, और गुना 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 108 हो जाएगा। तो देखिए 108 आया कि नहीं, तो ये वाला जो यहाँ पर 108 हमने लिखा था, तो बस लॉजिक को समझना, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक बात बता दिया कि सर यहाँ पर उसने इसको और इसको गुना कर, यानी भाग किया है ऊपर वाला और उसके हम लोगों का मिड वाला के मिड वाला, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कौन सा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो देखिए हम लोगों का फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इधर से फिर हम लोगों का इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर फिर इधर हो जाएगा, और इसमें जैसे एक वर्ग बना हुआ है तो इसको बना लीजिए, और इसमें क्या है दोस्तों पेंट किया हुआ है, इस प्रकार से हो जाएगा, तो ठीक है। और इस जगह से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोले का निशान होगा। तो ऐसा देखिए हम लोगों का किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, इधर कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का गलती होगा, पहले बता देते हैं थोड़ा सावधानी से, क्योंकि मिरर में आप जानते हैं दाएँ हाथ देखने के बाद बाएँ हाथ दिखता है, और बाएँ हाथ देखने के बाद दाएँ हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर भी इसका पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि वेन आरेख के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ताजे फलों को दर्शाता है, यानी हम लोगों का केवल क्या दर्शाना चाहिए, ताजे फलों को। तो देखिए फ्रेश और क्या दोस्तों, फ्रूट, यानी कि हम लोगों का फ्रूट हो जाएगा, तो जैसे फ्रेश मतलब ताजा हो गया, फ्रूट मतलब फल, तो हम लोगों का ऐसा कौन सा संख्या है जो कि यही दोनों को दर्शा रहा है। देखिए ये वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो 2 देख रहे हैं हम लोगों का क्या है, हम लोगों का फ्रेश है और क्या है फ्रूट, यानी ताजे फल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखते ही आंसर हो जाएगा, बस कुछ प्रश्न में क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कुछ प्रश्न क्या हो जाएगा, देखते ही आंसर कर लेंगे, इसीलिए घबराना नहीं है, अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जितने भी चैप्टर है और क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर हम लोगों का फ्रेश फल यानी कि हम लोगों का ताजे फलों की संख्या क्या हो जाएगा, 2। देखिए ना, फ्रूट है और फ्रेश है, तो इन दोनों में ताजा और फल तो दोनों यानी कि यही हो जाएगा, 2 ही ऐसा है, बाकी तो उधर वो सब होबे नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए हम लोगों का सी में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। तो ईद के जैसे यहाँ पर लिखा है, इसका कोड हम लोगों का इस प्रकार दिया है दोस्तों कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट का कोड इस प्रकार लिखा है। तो उसी प्रकार दिया है कि फादर मेक्स डिनर का कोड यहाँ पर लिखा है, तो उसी प्रकार से मेक्स का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेक का हम लोगों के सामने इसका कोड कैसे निकलेगा, तो कुछ भी नहीं, देखिए जो दिया है जैसे पी उसके बाद हो जाएगा आर ए सी और टी आई सी ई, तो ये हम लोगों का उसके बाद लिखा है दोस्तों मेक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस जगह पर मेक। उसके बाद हो जाएगा परफेक्ट, तो इस जगह पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया और इसी का कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों पाँच, उसके बाद है पाँच, जैसे लिखा हुआ है पाँच के बाद हम लोगों के सामने नौ है, पाँच नौ, थोड़ा इधर नहीं लिख देते हैं, पाँच नौ और क्या लिखा हम लोगों के सामने आठ लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब दूसरा वाला जैसे यहाँ पर लिखा है फादर, तो इस जगह पर लिख देते हैं। तो जैसे ही आप क्या कर देंगे दोस्तों, फादर जैसे दिया गया तो यहाँ पर फादर का कोड लिख लीजिए, फादर उसके बाद हो गया देखिए मेक, तो यहाँ पर जैसे मेक उसके बाद लिखा है डिनर, तो इस जगह पर कर देते हैं डिनर। तो देखिए जैसे आप इसको कर दिए, यानी कि यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, डिनर इस जगह पर हमने कर दिया, तो ठीक है इसका कोड देखिए क्या दिया है, तो उसका इसका कोड अगर आप देखेंगे ना, तो इस जगह पर उसने क्या लिखा है, तो हम लोगों का लिखा है चार, उसके बाद नौ और क्या लिखा है दोस्तों तीन लिखा है। तो देखिए उसने पूछा है मेक का, तो यहाँ पर ये देखिए इसका कोड इसमें हो जाएगा और इसका कोड इसमें हो जाएगा, तो उसी प्रकार से इधर मिल क्या रहा है, तो यहाँ पर नौ मिल रहा है, इसमें भी नौ मिल रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में नौ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए घबराना नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी तरीके का कोडिंग डिकोडिंग देखिए इसमें हम लोगों का दोनों बगल मिल क्या रहा है, तो मिल रहा है नौ, बाकी हम लोगों का किसी कोड पूछे नहीं क्या, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया, तो चलिए देखिए ध्यान से। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा, तो चलिए ध्यान से देखिएगा और करते हुए चलिए। जैसे लिखा है दोस्तों एच हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, तो यहाँ पर हो जाएगा एच, उसके बाद आर लिखा है, फिर हम लोगों के सामने बी है, फिर कोमा, इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों जी एस, उसके बाद लिखा है उसने जेड, फिर कोमा, फिर हम लोगों के सामने एफ है, टी है, फिर क्या लिखा है एक्स लिखा है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर लिख देते हैं ई, उसके बाद हो जाएगा यू और भी, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए एच से यदि आप जी पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी में ही सोचना है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो यहाँ पर माइनस क्या किया उसने एक किया, उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों माइनस एक किया है, उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो माइनस एक किया है, तो उसी प्रकार से ई में जैसे ही माइनस एक कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्तों एफ आ जाएगा, यानी जो शुरू होगा हम लोगों के सामने, अच्छा अच्छा यहाँ पर माइनस एक करेंगे तो ई में जैसे ही एक कर देंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों डी आ जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो देखिए सब ऑप्शन को ही डी से रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, फिर से आपको चेक करना होगा। जैसे देखिए आर से अब चलेंगे एस पे, तो आर के बाद एस, तो यानी यहाँ पर प्लस वन, एस के बाद देखा जाए टी, तो यहाँ पर भी प्लस किया दोस्तों वन, टी के बाद हम लोगों के सामने यू, तो यहाँ भी प्लस वन, और यू के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों उधर लेंगे तो भी आ जाएगा, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्लस वन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, तो डी और भी, तो डी और भी तो सभी में दिख रहा है, तो फिर कैसे होगा और चेक करना होगा, यानी अब बी को चेक कर लेते हैं। बी से यदि आप चलेंगे जेड पे तो बी में एक घटेगा, ए ए में एक घटेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों जेड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों हम लोगों का दो, हाँ तो यहाँ पर उसने तीन लेटर का क्या कर दिया है इस जगह पर कमी किया है, उसी प्रकार से जेड में जैसे ही, अच्छा अच्छा तीन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दो ही लेटर ना हुआ, जैसे कि ए उसके बाद देखिए बी में जैसे ही एक लेटर घटेगा ए, ए में एक लेटर घटेगा जेड, तो यहाँ पर दो ही लेटर का कमी क्या है, उसी प्रकार से जेड से यदि एक्स पे आएंगे दोस्तों तो ऐसे भी कर सकते हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का दो लेटर का कमी, उसी प्रकार से लेकिन इस जगह से पता चला एक्स यदि भी पे जाएंगे तो यहाँ पर दो लेटर का कमी, क्योंकि भी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर गलती तो नहीं किया है,
हम लोगों का देखिए भी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू उसके बाद एक्स होगा, तो उसी प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे भी में जैसे ही दो लेटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का टी हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा टी आएगा, तो डी भी टी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी भी और क्या आएगा टी आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो कोटिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया। इधर जैसे राम को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सीता को इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से श्याम का कोड क्या होगा, इससे पूछा गया है। तो देखिएगा आर उसके बाद ए और क्या लिखा है एम, तो इसका कोड उसने क्या दिया है, जैसे यहाँ पर राम है तो राम का कोड अगर देखा जाए तो उसने क्या लिखा है 32, तो कैसे लिखा है, इधर आर के लिए क्या होता है ए बी सी डी एम 18 होता है, ए के लिए 1 होता है, और एम के लिए क्या होता है दोस्तों 13 होता है, यानी ए के लिए यहाँ पर 1 लेना है, एम के लिए क्या होता है 13 होता है, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 13 × 1 = 14 हो जाएगा, 14 × 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सीता का यहाँ पर निकाल देते हैं, तो इस जगह पर जैसे ही देखिए इसका अलग अति से कर देते हैं, जैसे इसका निकालेंगे तो एस के लिए कोड क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 19 हो जाएगा, आई के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, टी के लिए हम लोगों का 20 हो जाएगा, और ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो इसका कोड अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 20 और 20 40 9 49, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसका कोड इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने लिखा, यानी एस के लिए क्या होता है ए बी सी डी में 19 होता है, आई के लिए 9 होता है, टी के लिए 20 होता है, और ए के लिए तो आप जानते हैं कि ए बी सी डी में क्या लेना हम लोगों के सामने 1 लेना है। अब जिसका निकालना है तो चलिए जैसे इसका निकालना है तो एस उसके बाद हो जाएगा एच, फिर हो जाएगा दोस्तों वाई, फिर ए और क्या है एम है, तो इसका कोड आपसे पूछा गया है, तो कुछ भी नहीं वही लिख देना है, जैसे हो जाएगा एस के लिए 19 हो जाएगा, एच के लिए 8 हो जाएगा, और हम लोगों के सामने Y का 25 हो जाएगा, A के लिए क्या होता है दोस्तों 1 होता है, M के लिए क्या होता है हम लोगों के सामने 13 होता है, तो बस सबको जोड़ देना है और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए 13 × 1 क्या हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ लीजिए ना, 5 × 3 = 4, 5 × 4 = 9, 8 = 17, 17 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और इधर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 26, यहाँ पर हो जाएगा 26 करी 6 हासिल रहा 2, इधर हो जाएगा दोस्तों 1 × 1 = 1 और 2, इधर हो जाएगा 3 × 2 = 5, और देखिए जैसे यहाँ पर हो गया 1 उसके बाद 2, तो 3 × 1 = 4 × 2 = 6, हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 66 आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन आपको जोड़ लेना है, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका 66 आएगा कि 13 × 1 = 14, तो 14 इधर हो जाएगा हम लोगों का 13 × 1 = 14, 14 और 25 जोड़ेंगे तो हम लोगों का इधर का अगर 1 दे देते हैं तो 15, और इधर 40 और हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों यहां पर इसको 1 दे देते हैं, हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। अच्छे से जोड़ लीजिए, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने, 9वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि कुछ कंप्यूटर जो है फोन है, तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं, यानी जैसे जैसे दिया है दोस्तों वैसे वैसे ले लेना है, यानी कि कुछ कंप्यूटर, तो कुछ कंप्यूटर हम लोगों के सामने लिखा है उसने क्या दिया है फोन दिया है, तो ठीक है कुछ कंप्यूटर का हिस्सा किसके अंतर्गत चले जाएंगे तो फोन के अंतर्गत चले जाएंगे, तो इस प्रकार से बना देना है। फिर कह रहा है कि सभी फोन जो है हम लोगों का कैलकुलेटर है, और उसके बाद सभी कैलकुलेटर क्या आईपैड है, तो लिख लेते हैं यानी सभी फोन क्या हो जाएगा कैलकुलेटर, इस जगह पर हमने कर दिया यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों कैलकुलेटर, तो ठीक है इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, सभी फोन क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने कैलकुलेटर हो जाएगा, तो इसका इस प्रकार से। फिर कह रहा है कि सभी कैलकुलेटर क्या है आईपैड है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आईपैड, सभी कैलकुलेटर अब क्या कर दिए दोस्तों आईपैड कर दिए, तो इसका हिस्सा जाके इस प्रकार से हम लोगों के सामने बन जाएगा, यानी यहाँ पर इस प्रकार से आप कर लीजिए, तो हो गया। अब देखिए इसका निष्कर्ष में क्या दिया है, कह रहा है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ आईपैड का हिस्सा किसमें है दोस्तों कंप्यूटर में, देखिए सबसे बड़ा गोला आईपैड का उसका कुछ हिस्सा कंप्यूटर में गया है, वहां पर देखिए टच कर रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, कुछ वाला डायग्राम यानी एक डायग्राम दूसरे डायग्राम को टच करना चाहिए थोड़ा सा, तो वही कर रहा है कि कुछ कंप्यूटर क्या है आईपैड है, ये बात बिल्कुल सही होगा।
उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी कैलकुलेटर फोन है, तो सभी कैलकुलेटर का ये वाला गोला का हिस्सा इतना बड़ा, जो दूसरा वाला हम लोगों का कैलकुलेटर का है ये वाला हिस्सा, क्या हम लोगों के सामने फोन में जा सकता है, फोन का गोला छोटा है। वो कह रहा है कि सभी कैलकुलेटर फोन है, तो ये बात गलत हो जाएगा कि कैलकुलेटर वाला हिस्सा हम लोगों का फोन के अंतर्गत में नहीं जा पाएगा। तो दूसरा वाला आपको डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, गलत कर देना है, इसको हटा देना है। फिर कह रहा है कि कुछ आईपैड फोन है, हाँ तो ये बात सही होगा क्योंकि इतना बड़ा गोला ये क्या है हम लोगों का आईपैड का है, तो उसमें कुछ हिस्सा इतना सा हिस्सा क्या है जो पेंट कर रहे हैं क्या है फोन का है, तो ये बात क्या हो जाएगा हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3, तो किस ऑप्शन में दिया है, इधर क्या ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन इधर आगे देखने को मिलेगा, इसीलिए घबराना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं 1 और 3। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यानी घड़ी से सवाल दिया गया दोस्तों, क्लॉक से। कहा जा रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा की ओर इंगित करेगा। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो एक ही फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, एम बराबर सूत्र होता है हम लोगों के सामने 2/11, याद रखिएगा एम बराबर 2/11, ब्रैकेट में यहाँ पर ले लेना है दोस्तों एच, इस जगह पर क्या लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एच अगुना में क्या कर देना है, 30 कर देना है, इस जगह पर गुना क्या कर देना है दोस्तों, 30 कर देना है, अब प्लस माइनस हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, थीटा होता है। बस इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर जैसे हमने एम लिख दिया, इस जगह पर तो m का क्या रहेगा दोस्तों, m रहेगा, और इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 2/11। तो यहां पर जैसे हमने कर दिया 2/11 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इधर h, तो h क्या हो जाएगा, यानी 4 घंटा, शुरू वाला एच जो होता है हम लोगों का 4 और 5 बजे के बीच पूछा गया, तो 4 यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, शुरू वाला, तो 4 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 30 हो जाएगा, अब प्लस माइनस। तो देखिए थीटा के समय क्या होगा, अगर कभी भी विपरीत दिशा में पूछा जाए, तो आप घड़ी में जानते हैं कि विपरीत तो इसी प्रकार से बनेगा, इधर से बन सकता है विपरीत, इधर से बन सकता है, इधर से बन सकता है, तो बहुत तरह के विपरीत कौन क्या होता है, विपरीत हमेशा आपको याद रखना है कि 180 डिग्री का कौन बनता है, बस इतना सा समझ लीजिए कि विपरीत 180 डिग्री का कौन बनता है, बस इसी को सॉल्व करना है दोस्तों। और यहां पर अगर देखेंगे तो हो जाएगा एम, इधर हो जाएगा हम लोगों का 2/11 हो जाएगा, तो जैसे हमने कर दिया 2/11 क्या 11 कर दिया, इधर क्या हो जाएगा 30 × 4 करेंगे तो 120 हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या लेना है दोस्तों, थीटा लेना है, तो प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा हम लोगों का घड़ी यहाँ पर माइनस में नहीं ले आना है, क्योंकि माइनस में आप जानते नहीं होगा, तो सीधा सा माइनस वाला क्या कर देंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे, तो माइनस वाला को हटाएंगे, सिर्फ प्लस वाला यहाँ पर होगा, तो जैसे ही प्लस ला लेंगे तो इस जगह पर हो जाएगा 2/11 क्या हो जाएगा दोस्तों 11, इधर हो जाएगा 120, और यहां पर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। तो इसी को अब सॉल्व कर देते हैं, तो इस जगह पर लिखेंगे एम बराबर का बराबर, एक के स्टेप में इसको यहां पर सलट देते हैं, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 2/11 हम लोगों के सामने 11, तो 2/11 इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गुना में, तो गुना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा दोस्तों 8 × 2 = 10 करी 0 हासिल रहा है, 1 × 1 = 2 = 3, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 300 इधर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप सॉल्व कर देते हैं इस जगह पर, तो देखिए एम बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 600/11 क्या आ जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 2 = 600 हो जाएगा, तो 600/11 हो जाएगा, तो एम का मान जैसे ही भाग दीजिएगा तो 11 से क्या बार में जाएगा, तो 11 × 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 55। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, भाग दे के लिख देना है, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए ना, इस जगह पर हम भाग दे के भी आपको दिखा देते हैं ऊपर में कि 11 से हमको क्या करना है, 600 में आपको क्या करना है, भाग देना है, तो 11 × 5 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने 55 लिया, इधर हो जाएगा 5 और 0, तो अगर चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 44, क्योंकि 11 × 5 = 55 फिर हो जाएगा, तो अगर चौक यहाँ पर 44 लेंगे, तब
तो हम लोगों के सामने 54 पूर्णांक 6/11 क्या आ जाएगा दोस्तों, 54 पूर्णांक इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का 54 अपूर्णांक 6/ क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो देखिए 54 पूर्णांक 6/11 किस ऑप्शन में दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए दोस्तों हुबहू सही हो जाएगा 54 पूर्णांक 6/11। बस इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको एक ही सूत्र याद रखना है, एम बराबर 2/11 ब्रैकेट में एच गुना 30 ± θ, और विपरीत दिशा रहेगा तो थीटा के जगह 180 डिग्री रहेगा, समकोण रहेगा तो थीटा के जगह 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, कुछ भी नहीं बस फॉर्मूला को याद रखिए, बस पुट कर दीजिए और हमेशा शुरू वाला से ही हो जाएगा, जैसे 4 5 कभी पूछेगा 5 6 कभी 6 7 इस तरीके से ही पूछा गया है, तो जो शुरू वाला रहेगा उसी से हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 4:54.6/11 क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 8 मित्र PQRSTW एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र मुख बैठे हैं, तो चलिए 8 लोग है तो 8 लोग है तो आप ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो तरीका है ना हमेशा ऐसे ही करना है। यहाँ पर इस तरीके से हमने बना लिया, तो 8 लोग हो गया इसी में बैठ गया और सबको बोला है कि केंद्रमुख, केंद्रमुख का मतलब सब क्या देख रहा है हम लोगों के सामने इस प्रकार से अंदर की ओर देख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सब अंदर की ओर इस तरीके से देख रहे हैं। तो ठीक है, अब देखिए जो जो दिया गया है हम लोग क्या करते हैं उसको ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं अंदर की ओर, तो हम लोग कर ये दिए बस 2 3 जगह ऐसे ले लीजिए ना अंदर की ओर हाथ देख रहा है तो बस हो गया, बस इंडिकेट कर दिया कि हाँ अंदर की ओर देख रहा है। अब लिखा है कि पी जो है डब्ल्यू के बाएं से क्या है दोस्तों तीसरा, तो पी जो है करें डब्ल्यू के बाएं से, तो इस जगह पर डब्ल्यू लिख लेंगे और पी को पहला दूसरा तीसरा तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है कि और जो आता है पहले के लिए, तो यहाँ पर पी के लिए और का प्रयोग कर रहा है, हमेशा याद रखेंगे और जो आएगा पहले के लिए, जो आता है दूसरे के लिए आता है और तथा भी दूसरे के लिए, तो और कह रहा है टी के दाएं से तीसरा है, तो टी अगर यहाँ पर बैठा देते हैं तो टी के दाएं से क्या हो जाएगा दोस्तों पहला दूसरा तीसरा हो गया। एस जो है डब्ल्यू और क्यू के बीच में बैठा है तो एस यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू और क्यू, तो क्यू यहाँ पर हो गया। फिर लिखा हम लोगों के सामने यू जो है, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों यू जो है भी के दाएँ से तीसरा है, तो कर देते हैं U जो है, तो U जो है V के दाएं से, यानी U को यहाँ पर अगर बैठा लिया और V को यहाँ पर बैठा लिया तो V के दाएं से क्या है दूसरे स्थान पर, तो हो गया 1 लोग बच रहा है, तो देखिए कौन हम लोगों के सामने बच रहा है, तो P बैठा दिए, Q भी बैठा दिए, R, तो R नहीं बैठा है तो R यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो वही पूछा है कि W के सम्मुख कौन है, तो W के सम्मुख कौन आ जाएंगे दोस्तों R हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताएं कथन निष्कर्ष वालित कर रहा है कि सभी ट्यूबलाइट क्या है दोस्तों पंखे है, तो चलिए कर लेते हैं, यानी कि सभी ट्यूब लाइट क्या हो जाएगा, जितना भी ट्यूब यहाँ पर खाली लाइट लिख लीजिए ना, इसी से हम लोग बना लेंगे सभी लाइट। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सभी लाइट हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जितना भी हम लोगों का लाइट है सभी लाइट क्या है पंखे हैं, तो इस जगह पर हमने कर दिया पंखे कर दिया, सभी लाइट क्या हो जाएंगे तो पंखे हो जाएंगे। उसके बाद करें कि सभी पंखे क्या है दोस्तों बल्ब है, तो यानी जितना भी पंखे हैं अब सबको क्या कर दिया हम लोग बल्ब कर दिए, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बन गया बल्ब। सभी बल्ब क्या है दोस्तों घड़ी है, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा घड़ी हो जाएगा। देखिए 3 3 तो दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कितनों बढ़ा दे यहाँ पर क्या हो जाएगा घड़ी हो जाएगा। जैसे उसने क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा घड़ियाँ। चलिए फिर से देखिए, जैसे लिखा है कि सभी ट्यूब लाइट पंखे हैं, तो ठीक है जितना भी हम लोगों का ट्यूब लाइट है तो इस जगह पर करते हैं तभी अटेगा, यहाँ पर लिख देते हैं सभी लाइट, तो ठीक है जितना भी लाइट है उस सब को क्या करना है पंखे कर देना है, यानी कि इसको क्या कर देना है दोस्तों पंखे कर देना है, सब लाइट क्या हो जाएगा पंखा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी पंखे क्या हम लोगों के सामने बल्ब है, तो यहाँ पर सभी को क्या कर दिए दोस्तों बल्ब कर दिए, ये हिस्सा क्या हो गया बल्ब का हो गया। फिर कह रहा है कि सभी बल्ब क्या हम लोगों के सामने घड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने घड़ी हो जाएगा, तो चलिए इसको कर दिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों घड़ी हो जाएगा। आप अच्छे से लिख के कीजिए, यहाँ पर देखिए हम तो अटा रहे हैं, बस हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ना हो जाएगा, बस आपको देखना है कि किस किस तरीके कह रहा है कि सभी ट्यूबलाइट हम लोगों का घड़ी है, तो बिल्कुल सही है, जितना भी ट्यूबलाइट जो है ये वाला हिस्सा किसके अंतर्गत है तो घड़ी का, क्योंकि सबसे बड़ा गोला किसका है दोस्तों घड़ी का, देखिए ना सबसे बड़ा गोला किसका है घड़ी का, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ घड़ियाँ जो है पंखे हैं, तो ये भी बात
कैसे होगा, इतना बड़ा गोला किसका, हम लोगों का घड़ी का है। तो इसमें कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है पंखे का, यहाँ से यहाँ तक का जो है ना पंखे का है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेन आपको समझना है, रटना नहीं है। देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिया, और वैसे दिख भी रहा है कि लाइट है, ये पंखा है, ये वाला हम लोगों के सामने बल्ब है, और ये घड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों। मेन आपको समझने पर फोकस करना है कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन, फिर से डराने का प्रयास किया है लेकिन डरेंगे नहीं। कारण नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। पांच व्यक्ति है, अभी आपको बताए हैं वृत्ताकार बोले या कुछ भी बोले, आपको क्या करना हमेशा, क्योंकि वो मैक्सिमम 8 तक ये आपके एग्जाम में पूछा था। पांच लोग दिया है तो आप पांच लोग ऐसे बैठा लीजिए। लेकिन इस बार एक बात उसने क्लियर किया है कि केंद्र के क्या है दोस्तों, मुंह बाहर करके बैठे हैं। इस बार आपको एकदम सावधानी से बरतना है कि इस बार सब किधर देख रहा है, इस साइड देख रहा है, यानी बाहर की ओर देखेगा। ये बात वहाँ पर मैंशन है कि सब किधर देखेगा दोस्तों, बाहर की ओर देख रहा है। तो ठीक है, बाहर की ओर देखे, अंदर की ओर देखे, उससे हमको क्या मतलब। अब जो दिया गया, पहले क्या करना है, दायां बायां को ही बैठाना है, इसीलिए गलती होगा इस टाइप में। करे ई और एल के बीच वाला अभी नहीं लेंगे, पहले क्या करना है, दायां बायां। करे जी जो है एल के दाएं से क्या है दोस्तों, तीसरे स्थान पर जी जो है। तो देखिए एल अगर यहाँ पर है और बाहर की ओर देख रहा है, तो एल का दायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। उसने कहा है जी जो है एल के दाएं से तीसरे स्थान पर है, फिर ई भी लिखा है, ई और एल के बीच में हम लोगों का एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। ई और एल के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक व्यक्ति बैठा है। फिर हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है क्यू और जी के बीच में बैठा है, यानी एक व्यक्ति जो है दोस्तों क्यू और हम लोगों के सामने, उसने क्या करा है कि एक व्यक्ति जो है क्यू और जी के बीच में। देखिए क्यू और हम लोगों के सामने अगर जी ले लें, तो कह रहा है एक व्यक्ति जो है क्यू और जी के बीच में, तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा। क्यू और जी के बीच में एक व्यक्ति आ ही रहा है, ई आ रहा है, देखिए एक व्यक्ति। देखिए डरना नहीं है, उसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति जो है, ये लाइन को आप गौर कीजिए, एक व्यक्ति जो है क्यू और जी के बीच में, तो क्यू और जी के बीच में एक व्यक्ति आ ही रहा है, ई है। बचा हम लोगों के सामने कौन, तो पी बचा, तो यहाँ पर आपको पी बैठा देना है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने पी बैठ गया। तो उसने कहा कि पी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो पी का अगर निकटतम पड़ोसी देखा जाए तो एक हम लोगों के सामने जी हो जाएगा, और पी का एक निकटतम पड़ोसी क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जी और एल आएगा। घबराना था ही नहीं, बस डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरना नहीं है। वही कह रहा है कि पी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो जी और क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अभी देखिए इसी तरीके क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि होबे नहीं करेगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन है सब आपके रिसेंटली जो पूछे गए हैं, और सब वीडियो मेरा उसी पर है दोस्तों, रिसेंटली जो एग्जाम होते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन पर है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए एक ही सेट में जो ना बहुत तरीके का हमने देखा कथन निष्कर्ष वाले, इसीलिए आपको घबराना नहीं, एकदम करते हुए चलना है कि सर इसी तरीके, क्योंकि एक सेट में क्या होता है, कभी कभी दो तीन टीसीएस का यही है कि एक ही चैप्टर से, कभी तीन क्वेश्चन, कभी चार क्वेश्चन भी रिपीट कर देता है। करे सभी यात्री क्या है, इंजीनियर है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी जितने भी यात्री है हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंजीनियर हो जाएंगे। इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, इंजीनियर कर देना है, यानी जितना भी यात्री का हिस्सा है वो क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने, इंजीनियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है कि कुछ यात्री जो है हम लोगों का क्लर्क है, यानी कि, और फिर लिखा है कि अच्छा अच्छा कुछ यात्री का हिस्सा क्या करना है, क्लर्क कर देना है। तो इस जगह पर कर देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ यात्री जो है क्लर्क है। तो हमने इस जगह पर, यहां पर रुक जाइए, जैसे इस जगह पर लिख देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लर्क हो जाएगा। इस जगह पर हमने लिख दिया क्लर्क, कुछ यात्री का हिस्सा ले जाकर इस प्रकार से क्या करना है दोस्तों, क्लर्क कर देना है। अब फिर कह रहा है कि कोई भी इंजीनियर जो है हम लोगों का जियोग्राफर नहीं है, तो इंजीनियर का हिस्सा क्या करना है, जियोग्राफर। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जियोग्राफर। तो ठीक है, इस जगह पर आप लिख लीजिएगा जियोग्राफर, यहां पर क्या कर लेना है दोस्तों, जियोग्राफर। तो ठीक है, ये हो गया हम लोगों का जियोग्राफर। देखिए यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, नहीं तो वरना क्या हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि सिर्फ जियो भी लिख देंगे ना इस तरीके से, जियो और क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राफर।
तो जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे जियोग्राफर, तो यहाँ पर हमने कर दिया जियोग्राफर। चलिए इस जगह पर लिख दिए, यहाँ पर इधर कर लीजिएगा क्योंकि अटेगा नहीं, तो हमने जियोग्राफर कर दिया। और क्या बोला है, नहीं है, तो इस पर लगा दिए नहीं। अब देखिए उसने क्या लिखा है, कुछ इंजीनियर जो है कलर का है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि क्योंकि इंजीनियर का हिस्सा तो हम लोगों का कलर में जा रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही कर रहा है, करेक्ट। कोई भी यात्री जो है हम लोगों का जियोग्राफर नहीं है, कोई भी यात्री, वो क्या लिख रहा है कि कोई भी यात्री जो है वो जियोग्राफर, जब कोई भी इंजीनियर हम लोगों का जियोग्राफर नहीं, वो क्या कहा है कि कोई भी इंजीनियर जो है वो जियोग्राफर नहीं, तो कोई भी यात्री हम लोगों का क्या होगा, जियोग्राफर नहीं होगा, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कहा है कि सभी जियोग्राफर कलर का है, क्या सब तो जियोग्राफर जो है हम लोगों का कलर में गया है क्या, नहीं गया, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, तो कौन सा सही हो जाएगा, एक और दो अनुसरण करता है, कहां पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन उसने कहा है कि कुछ इंजीनियर कलर का, तो इंजीनियर का हिस्सा कलर में बिल्कुल सही कह रहा है। फिर उसने कहा कि कोई भी यात्री जियोग्राफर ने, हाँ, तो ये भी बात, क्योंकि जब कोई भी उसने वहाँ पर लिखा है कि कोई भी इंजीनियर जो है जियोग्राफर ने, तो इसका अर्थ कोई भी यात्री जियोग्राफर नहीं होगा। फिर कह रहे हैं सभी जियोग्राफर कलर का, क्या जियोग्राफर का हिस्सा कलर में गया है क्या, नहीं गया, तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष वाले, कर आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए, निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक प्रश्न दिया गया यहाँ पर, कह रहा है कि दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा, उसने क्या पूछा है कि दिए गए माह का 13वां, यदि महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो ये हम कैसे करेंगे, महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, अब कौन सा महीना है, कैसे है, तो ये कथन हम लोगों का गलत होगा। यदि महीने का 16वां दिन जो है उस दिन का, हम कह रहा है कि महीने का 16वां दिन उस दिन का तीसरा शुक्रवार है, अच्छा ये बात क्लियर हो गया कि महीने का जो 16वां दिन आ रहा है ना, तो वो दिन हम लोग देखिए इस तरीके से, महीने का 16वां दिन उस दिन का क्या है, हम लोगों का तीसरा शुक्रवार है, यानी कि 16 जो तारीख होगा ना, उस जगह पर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, शुक्र दिया है, तो आराम से निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 13 हो जाएगा। तो शुक्र के पहले आप जानते हैं कि क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के पहले बुध आएगा, बुध के पहले क्या हो जाएगा, मंगल आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सी में दिया है, तो केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, दो दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।